स्टूडेंट पार्ट नंबर टू में आपसे यही प्रॉपर्टीज अंडर यूनियन पूछी जा रही है। हमने वेरीफाई करना है एस यूनियन होल ब्रैकेट पी यूनियन यू इज इक्वल टू होल ब्रैकेट एस यूनियन टी यूनियन यू। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करें एस यूनियन पी यूनियन यू। स्टूडेंट स्टार्ट करें पहले आप लोग सेट एस के एलिमेंट्स को लिखें। एस के एलिमेंट आपके पास क्या है माइनस टू माइनस वन जीरो एंड वन यूनियन ब्रैकेट शुरू। पी के एलिमेंट्स माइनस फोर माइनस वन वन और थ्री यूनियन यू के एलिमेंट जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ब्रैकेट वन। स्टूडेंट पहले वाला सेट आपके पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को साफ करना है माइनस टू माइनस वन जीरो एंड वन यूनियन। स्टूडेंट यूनियन में हम लोग क्या करते हैं यूनियन मीन यूनाइट इकट्ठा करना। आपको पता है पूरे यूनिट हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में ही पढ़ा है। तो अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तरतीब भी लिखते हैं कि माइनस फोर के बाद माइनस थ्री इधर भी नहीं है इधर भी नहीं माइनस टू यहाँ शामिल है तो माइनस टू माइनस वन इधर भी है एक बार लिखते हैं। उसके बाद जीरो उसके बाद ये वन उसके बाद ये प्लस माइनस टू है एक टू माइनस के एक टू प्लस के और लास्ट पे आपको क्या लिख देंगे थ्री। स्टूडेंट यूनियन में दोनों सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू माइनस फोर माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू और थ्री ये आपके पास होगी स्टूडेंट इक्वेशन वन। अब जो राइट हैंड साइड है वो गैस के साथ सामने ही साफ राइट हैंड साइड आपके पास है एस यूनियन टी यूनियन यू। पहले आप एस यूनियन टी फाइंड करेंगे ब्रैकेट शुरू करें एस के एलिमेंट्स लिखते हैं पी के एलिमेंट्स लिखते हैं ब्रैकेट वन यूनियन यू के एलिमेंट्स लिखते हैं। अब स्टूडेंट में यू के एलिमेंट्स को अलग ही लिख रहा हूं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना बने। अब देखिए स्टूडेंट पहले ब्रैकेट है तो हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट यूनियन कर रहे हैं यूनियन में दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू माइनस फोर माइनस फोर के बाद माइनस टू के बाद माइनस वन उसके बाद जीरो उसके बाद वन और उसके बाद ये आपके पास थ्री आ जाएगा यूनियन और माइनस टू माइनस वन जीरो वन और टू ये पूरा सेट आपके पास एलिमेंट्स आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यूनियन का वही प्रोसीजर जो कि हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं यूनियन में हम लोगों ने कॉमन एलिमेंट्स लिखे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा माइनस फोर माइनस टू माइनस वन इसी तरह से आ गया उसके बाद जीरो उसके बाद वन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे टू मालूम है तो वन के बाद टू टू के बाद थ्री और ये आपके पास इक्वेशन टू हो गई। स्टूडेंट इक्वेशन वन माइनस फोर माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री इक्वेशन टू माइनस फोर माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री दोनों इक्वेशन आपके पास सेम आ गई है तो आपने प्रूव कर दिया है यहाँ पे बार इक्वेशन वन है टू इक्वेशन वन है टू से हमने क्या साबित किया है एस यूनियन टी यूनियन यू इज इक्वल टू एस यूनियन टी होल यूनियन यू। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट क्वेश्चन फोर बिल्कुल इसी क्वेश्चन की रिपीटेशन है आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट कर लिया है मैं आपको क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में उसने आपको एक यूनिवर्सल सेट यू दे दिया है इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी अप टू जी ये इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट है। दूसरा सेट उसने एस दे दिए ए ई आई ओ यू आपको मालूम है सेट ऑफ वावल। तीसरा सेट उसने आपको टी दे दिए और ये आपके पास इक्वल है एक्स वाई और यानी जो लास्ट इंग्लिश अल्फाबेट है उसकी पर और हमने स्टूडेंट पहले क्या प्रूव करना है एस
इक्वल होना चाहिए, एस की इक्वल आना चाहिए। कैसे अगर एंटी सेट को आप यूनियन करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, सेट एस डी आना चाहिए। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले सेट एस के एलिमेंट्स लिखे हैं, एस के एलिमेंट आपके पास क्या है, ए पी आई और यू, और यूनियन का साइन एंटी सेट का वो सिंपल लगा रहे या इसको सिंपल एंटी लिख रहे। अब स्टूडेंट आपको पता है यूनियन में दोनों सेटों के एलिमेंट्स वन कॉमन लिख रहे होते हैं, ये तो सेट एंटी है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं तो आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा, यही सेट आपके पास नीचे दोबारा वापस आ जाएगा, ए ई आई और यू। और स्टूडेंट ये जो सेट है ए ई आई यू, ये तो आपके पास सेट एस नहीं है, ये तो सेट एस है, और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि एस यूनियन एंटी सेट किसकी इक्वल होना चाहिए, एस की इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, पी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू पी, पी का अगर यू के साथ इंटरसेक्शन करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट पी सेट आपके पास क्या है, एक्स वाई और जी का सेट है, इंटरसेक्शन का सिंबल यू सेट आपके पास क्या है, ये तो आपके पास फुल अल्फाबेट्स है, तो आपके पास ए बी सी ये आपके पास जी है। अब स्टूडेंट देखिए ये आपके पास फुल अल्फाबेट्स है, इसमें एक्स भी शामिल है, वाई भी शामिल है, जी भी शामिल है। इंटरसेक्शन में दोनों सेटों में से कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो यहां पे देखिए अगर आपके पास सिर्फ एक्स वाई जी है, अगर आपके पास एक्स वाई जी इसमें भी मालूम है, तो आपके पास इंटरसेक्शन के बाद आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जी। और एक्स वाई जी आपके पास कौन सा सेट है, ये तो आपके पास सेट टी वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, और हमें क्या प्रूव करना था कि अगर टी का यू के साथ इंटरसेक्शन करें तो आंसर क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट, कुछ पार्ट इसको बिल्कुल एक जैसे हैं, वो मैं छोड़ रहा हूं, आप लोगों ने खुद अटेंड कर लें। P यूनियन P का कंप्लीमेंट, P यूनियन D का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट U की इक्वल होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखें यहां पे T के कंप्लीमेंट की बात आ रही है, पहले P का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, P का कंप्लीमेंट क्या होगा, U - P होगा, U में से सेट T को माइनस कर देंगे, U लिखें A B C अप टू Z माइनस P लिखें X Y और स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट में क्या करते हैं, दोनों सेटों में एक जैसे एलिमेंट्स कंट्रास्ट कर देते हैं, और जो पहला सेट होता है उसमें जो एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं हम उनको लिख देते हैं। तो आप यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करें, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी दोनों में कट जाएंगे। अब ये जो आपके पास पी सेट है, सॉरी यू सेट है, ये शुरू में पूरे का पूरा सेट ए बी सी इसी तरह से सारा चलता जाएगा, एक्स वाई और जी दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स वाई और जी हम काट देंगे। तो अब यहां पर आपके पास ये जो सेट आएगा कहां तक आएगा, डब्ल्यू तक आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स और एक्स करके वाई और वाई कट गया, जी और जी कट गया, ये सारे सेट आपस में कट जाएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है कि किस तरह से हो रहा है, मैं यहां पे इसके भी लास्ट एलिमेंट लिख देता हूं कुछ, और इसके भी लास्ट एलिमेंट लिख देता हूं, यानी मैं लिखता हूं यू V, W, X, Y और Z और माइनस X, Y और Z। अब स्टूडेंट देखिए X और X कैंसिल हो जाएगा, Y और Y कैंसिल हो जाएगा, Z और Z कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास A से लेके W तक D से वापस आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, T का कंप्लीमेंट आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, T यूनियन T का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, T यूनियन T का कंप्लीमेंट, पी का कंप्लीमेंट पहले क्यों फाइंड किया गया, क्योंकि हमें पी का कंप्लीमेंट दिया नहीं गया, हमने पहले उसको फाइंड करना था, फिर हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना। अब देखिए स्टूडेंट पी सेट आपके पास क्या है, एक्स वाई जी यूनियन पी के कंप्लीमेंट आपके पास ये आ रहे होंगे, अब देखिए स्टूडेंट यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, A से W तक अल्फाबेट्स आपके पास यहाँ है, W के बाद X, Y और Z इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A, B, C अप टू X, Y और Z। स्टूडेंट जरा गौर करें, U सेट A, B, C अप टू Z तक, ये तो आपके पास सेट U नहीं है, यूनिवर्सल सेट है ना आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ गया,
यू की इक्वल आ गया। हमने क्या प्रूव करना था, पी इंटरसेक्शन डी का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होना चाहिए, यू की इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें, इसके दो पार्ट रहते हैं वो आप लोगों ने खुद अटेंड कर लेंगे। और स्टूडेंट एक और बात, जो लेक्चर अभी तक आप लोगों के हो चुके हैं उनको भी आप लोग नजर रखेंगे, जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो पिछले लेक्चर से भी टिकट होकर एमसीक्यूज साथ में दिए जाएंगे, तो इसलिए उन लेक्चर को भी आप लोगों ने डेली बेसिस पे साथ में रिवाइज करना है। इस लेक्चर को आप लोग लिखें घर में एक से दो बार लिखें ताकि आप लोगों की रिविजन अच्छी तरह से हो सके और इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें एमसीक्यूज के लिए। बहुत शुक्रिया।